सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पिछली बार तो बीजेपी को वोट किए थे जाके, हाँ जो हुआ तो सो हुआ, लेकिन अब जनता परिवर्तन चाह रही है। खुद के घर के इंटरव्यू करके सब घूम रहे हैं, कोई अभी नौकरी नहीं मिला है। बदलाव हम चाहते हैं सरकार, आप भी बदलाव चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। आप राम गीत जात बनाते हैं और राम परिवर्तन नहीं होगा तो हम आप कैसे समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। और नीलगाय सब जगह परेशान कर रहे हैं, सब सारी खेती चौपट हो रही है। यही भाजपा हम दिए थे। अच्छा, हाँ गमछा वही है, वोट बदल गया। मोदी जी विदेश जाते थे कंपनी बुलाने नहीं, कर्जा लेके आते थे। आज दिन में एक आदमी के ऊपर 1,60,000 कर्जा हो चुका है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार पे उन्होंने कोई काम किया है तो उन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश को उल्लू बनाया है। भारतीय जनता पार्टी जो होती है वो लोगों का ब्रेन वॉश करती है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो इन्होंने मेरा ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि मैं भाजपा की कोई भी बुराई सुन ही नहीं सकता था। ये गाय की मांस बेचने वाली कंपनियों से मोदी जी इतना चंदा लिए हैं। अभी देखिए चंदे धंधा ये आइडियो वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीए में आपका स्वागत है। फूलपुर लोकसभा में अभी हम हैं। यहाँ पर ये ऐतिहासिक लोकसभा है जहाँ से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपना पहला चुनाव, देश का पहला चुनाव 1952 में यहीं से जीत कर गए थे। इस बार सपा से यहाँ अमरनाथ मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से प्रवीण पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और जगन्नाथ पाल जी बसपा से लड़ रहे हैं। अभी हम यहाँ चंदनपुर गांव के पास हैं। यहाँ एक ही गांव के कई सारे अलग अलग समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज से भी हैं, दलित समाज से भी हैं, मौर्य भी हैं, पटेल समाज से भी हैं। तो आइए, अच्छा मज़ेदार बातचीत रहेगी। क्या यहाँ पर चुनाव का माहौल है, ज़रा इनसे बात करते हैं। जी साहब, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम मूलचंद सरोज है। मूलचंद जी, क्या करते हैं आप? अरे मेरा तो यही दुकान है। हाँ, दुकान पर रहते हैं जी। बताइए, 10 साल आपके कैसे रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं, धंधे के लिए कैसे रहे हैं? जो भी था जाएगा, जो हुआ तो सो हुआ, लेकिन अब जनता परिवर्तन चाह रही है। आप परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ। किस तरफ जाने की सोच रहे हैं? अभी तो ये कोई जाए के मतलब वो नहीं करेंगे, लेकिन जाए के परिवर्तन चाह रहे हैं। ये कोई खुल के नहीं बताएगा कि हम इनको वोट देंगे, जाए के हम इनको नहीं देंगे। इतने सारे लोग हैं, कोई किसी पार्टी को देने वाला है, कोई किसी पार्टी को, इसलिए कोई खुल के नहीं बताएगा। पिछली बार कहाँ वोट किए थे? पिछली बार तो बीजेपी को वोट किए थे जाके। हाँ, तो ये बताइए फिर, आप जब परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किन मामले, किस चीज़ से लेकर सरकार से आप परेशान रहे हैं कि आप परिवर्तन की इस बार बात कर रहे हैं? लोगों को इनकी नीतियां जाए कि नहीं समझ में आ रही है, अच्छी नीतियां नहीं है जाए के। महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, ये सब तमाम तरीके के। अब जैसे जाए के हम किसानों के लिए जाए के ये गाय आवारा पशु बहुत परेशान, हाँ साढ़ भैंस भैंसा और नील गाय सब जाए परेशान कर रहे हैं, सब सारी खेती चौपट हो रही है, इसलिए किसान लोग जाए के इनसे जाए के। हमारी ये उत्तर प्रदेश की 16वां लोकसभा सीट है जहाँ पर घूमे हैं, और तीन चीज़ें, चाहे वो भाजपा के समर्थक हों या उनके खिलाफ हों, तीन चीज़ें, आवारा पशु, बेरोजगारी और महंगाई, इन तीन चीज़ों से सब लोग इतना त्रस्त आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जी आपका नाम साहब? सर मेरा नाम विजय कुमार संत है। विजय कुमार जी, ज़ोर से बोलिए थोड़ा। विजय कुमार संत है सर। विजय कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं सर यही कार्यक्रम करता हूँ, रामायण जागरण भजन का। रामायण जागरण भजन का कार्यक्रम करता हूँ। रामायण जागरण भजन का कार्यक्रम? अच्छा, तो आप गाना गा, मतलब आप भजन गाते हैं? अरे वाह, ये गीत सुनाइएगा। एक नगरिया जाना, एक नगरिया जाना, जाना एक नगरिया जाना, माटी तेरी काया बंदे, तू किस पर इतराया बंदे, तू किस पर इतराया बंदे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सा। कलाकारों को मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो बताइए कहाँ गाते हैं, गांव देहात में गाते हैं, प्रोग्राम वगैरह? हाँ, प्रोग्राम रहता है तो करते हैं सर। जगराता वगैरह, जागरण वगैरह? जागरण भी गाते हैं। जागरण भी जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी हैं सर। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी? कौन सा बजाते हैं? ऑर्गन बजाते हैं। ऑर्गन बजाते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बताइए, आपका जो काम है कलाकार होने के नाते, पूछ रहा हूँ आपसे,
काम हल्का रहा है 10 सालों में, बेहतर रहा है? क्योंकि आप तो धार्मिक गीत भी गाते हैं, ये तो धर्म धर्म की ही बात करती है ये सरकार, आपके लिए कैसा रहा है? नहीं, ये तो बदलाव हम चाहते हैं सरकार, आप भी बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। आप राम गीत जात बनाते हैं और राम परिवर्तन नहीं होगा तो हम आप कैसे समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है? परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। तो क्या आप भी क्या बेरोजगारी के ही सवाल से परेशान है? क्यों आप परिवर्तन? परेशान तो इसलिए है सर कि कार्यक्रम भी बराबर कंटिन्यू तो चलता नहीं, नहीं हो रहा है, कभी कभी चलते हैं सर, इसलिए परेशानी बढ़ जाता है। तो ऐसा कार्यक्रम क्यों कम हुआ है? लोगों के पास अभी थोड़ी आमदन की दिक्कत आ रही है, बुला नहीं पा रहे हैं, यही समस्या है सर। पैसे हैं नहीं तो कहाँ से बुलाएं कलाकार को, यही समस्या है। चलिए, ये सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये धार्मिक गीत खुद गाते हैं लेकिन खुद कह रहे हैं कि चुनाव जो है इन मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों पर होना चाहिए, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो महंगाई है, ना कि धर्म और हिंदू मुस्लिम। जरा इससे मुझे लगता है 75 साल हो गए आज़ादी को, हमारे लोकतंत्र को उससे ऊपर उभरने की ज़रूरत है, किसी भी पार्टी का समर्थन करें लेकिन मुद्दे ये नहीं होने चाहिए। जी साहब, क्या नाम हो आपका? दयाशंकर विश्वकर्मा। जी दयाशंकर जी, आप क्या करते हैं? हम लोहे का काम करते हैं, जंगला, खिड़की, दरवाज़ा, यही सब काम है हमारा। तो मतलब एक तरीके से अपना मजदूरी है और पैसा, घर का खेती किसानी भी है, खेता किसानी भी है। आवारा पशु से आप भी परेशान? जी पशु से परेशान है, खेती है, जब नहीं हो पाता तो क्या करें, मजबूर है, खेती में जो लगाए हैं वो भी नहीं निकल पाता। तो ये 500 रुपया जो महीने का जो किसान सम्मान योजना मिल रही है मोदी जी से, 2000 मतलब 4 महीनों में तो 500 रुपया महीना हो जाता है, उससे कुछ भरपाई हो रही है? उससे क्या भरपाई मिलता, जोताई भी नहीं निकल पाता, उससे क्या भरपाई होगा? यूरिया का भी कट्टा कम हो गया है, 45 किलो हो गया। 45 किलो। ये बताइए फिर, ये सारी जो दिक्कतें और आप जैसे मजदूरी कर रहे हैं, लोहे का ये काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं ये 10 साल? मजदूर के लिए तो साहब दिक्कत ही है, क्योंकि महंगाई इतना बड़ा कि मजदूरी उतना मिल नहीं पाता हम लोगों के देहात में, तो मजदूरी जब नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, पूरा घर का जीवन उपाय नहीं हो पाता। गल्ला वगैरह मिल रहा है 5 किलो? हाँ, 5 किलो मिलता है लेकिन उससे भी नहीं पूरा हो पाता ना, गल्ला मिलने से क्या होता है, खर्चा तो भी निकलना चाहिए। साथ में बिल्कुल बच्चा लोग को यहाँ सरकारी नौकरी मिल रहा है गाँव में 10 साल से कुछ हुआ है? खुला है अभी तो कुछ नहीं मिला, हमारे गाँव में भी हमारे खुद के घर के इंटरव्यू करके सब घूम रहे हैं, कोई अभी नौकरी नहीं मिला है। कांस्टेबल एग्जाम दिया था जो पेपर लीक हो गया था अभी? हाँ, लड़के लोग दिए थे। नुकसान उससे भी हो गया, मतलब पेपर लीक 5,000 रुपये खर्च किए और सब जो है नुकसान हो गया। मतलब फॉर्म भी 4,500 का था, ऊपर से आने जाने का खर्चा, वो सब तो दिक्कत होती है। बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव में? फिर चुनाव में क्या सोच रहे साहब, अगर सरकार बदलती है तो देखेंगे आगे क्या कैसे चलती है, महंगाई कम होता है ज़्यादा होता है, लेकिन बदलना तो चाहिए साहब, बदलना चाहिए। हाँ। आपको लग रहा है बदलाव आना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। चलिए, यहाँ कई लोगों का मत बदलाव के तरफ है। साहब आपने तो भगवा गमछा पहना हुआ है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम विपत पटेल। तो विपत जी, आप ये बताइए, विपत्तियाँ रही हैं इस बार या नहीं रही हैं? रही है, विपत्तियाँ तो है। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं चुनाव में, फिर करते क्या हैं आप? हम तो किसानी काम करते हैं, टमाटर वगैरह लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, टमाटर सब्जी वगैरह। हाँ, बेचते नहीं, वो अपने लिए ही उगा रहे हैं। हाँ, अपने लिए उगाते हैं, थोड़ा बहुत निकल जाता है, बाजार में खर्चा पानी भी मिल जाता है। हाँ, तो इसलिए महंगाई बहुत है सर, क्या करें। ये बताइए फिर, आप कह रहे हैं महंगाई है, खेती का आपका भी आवारा पशु नुकसान कर पा रहे हैं? हाँ, नुकसान तो करते हैं, उर्दी बोते हैं, उर्दी सब चल लेते हैं। आप तो यहाँ भगवा गमछा पहने हुए हैं, नाराजगी व्यक्त करे जा रहे हैं, वोट कहाँ करेंगे? और तो आपकी दाएं सरकार बदलना चाहिए। लियो भाजपा यहाँ पटेल कैंडिडेट दिया हुआ है, आप सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, आपके मतलब का कैंडिडेट दिया है? हाँ सर, देखिए सरकार तो ठीक है लेकिन कोई अपने कार्यकाल में कोई कहीं जाता आता नहीं है। अच्छा। आते जाते नहीं है, कोई खोज खबर नहीं लेता है। प्रवीण जी तो यहाँ भी विधायक भी हैं, है तो, नहीं आते आपके बीच में? हैं तो, लेकिन कहीं क्षेत्र में जाते भी नहीं है। अच्छा। और कहीं काम थोड़ा बहुत अटकता है, वो भी नहीं सुनवाई होता है। अच्छा, ये रास्ता उस्ता के लिए। ये बताइए, आपस की बात है, वैसे आपस की रहेगी नहीं, कैमरे पर आ जाएगी, लेकिन ये पटेल समाज आप ही की तरह सोच रहा है या पटेल कैंडिडेट होने की वजह से उधर झुकाव है? हमको यानी प्रवीण को वजह से नहीं है। हाँ। और मतलब हमारा ये सिद्धांत है कि आपकी दाएं सरकार बदलाव होना चाहिए।
देखिए कितनी अच्छी बात है, कह रहे हैं हमको जाति से मतलब नहीं है, हमको नीतियों से मतलब है। ऐसे ही चुनाव होना चाहिए, ऐसे ही मुझे लगता है सबको आगे जाने की ज़रूरत है। पिछली बार कहाँ वोट किए थे? यही भाजपा में दिए थे। अच्छा, गमछा वही है, वोट बदल गया? अच्छा ठीक है, तो गमछा भी बदल दीजिए फिर। हाँ, इसको भी बदल देंगे, चुनाव हो जाएगा तो खुद ही बदल जाएगा। अंकल जी ने तो बड़ी जबरदस्त बात बोली है, बताइए। हाँ, तो क्या बताएं हम, आप क्या कह रहे थे गमछे के बारे में? नहीं नहीं, गमछे की जो आप बात कर रहे हैं, गमछा तो भगवा कलर है, हिंदुत्व का प्रतीक है, तो उसको तो हर आदमी लेके चल सकता है ना। पार्टी से क्या लेना देना उसको? पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो अपनी आस्था है, अपनी आस्था है ना। धर्म का राजनीति से क्यों जुड़ा वो? बिल्कुल मतलब नहीं। क्या नाम हो अंकल जी? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। क्या करते हैं अंकल जी? मैं खेती करता हूँ। कैसी रही है 10 साल आप किसानों के लिए? संतोषजनक तो नहीं था, लेकिन फिलहाल वोट प्रवीण को ही दूंगा मैं। आप क्यों दे रहे हैं प्रवीण को अगर संतोषजनक? मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ। चलिए, रिश्तेदारी में वोट है लेकिन सरकार। अच्छा चलिए, आपने बोल ही दिया, ये ईमानदारी आपकी अच्छी लगी कि आप ये नहीं कह रहे नीतियाँ अच्छी लगी, आपने कहा रिश्तेदार में हैं इसलिए दे रहे हैं। वैसे आप बताइए सरकार 10 साल कैसी रही है? संतोषजनक नहीं थी। नहीं थी, चलिए ये तो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन पटेल समाज के जो रिश्तेदार नहीं है इनके, पटेल समाज से जो रिश्तेदार नहीं है उनका क्या लग रहा है? लमसम देंगे, देंगे वो जाति आधार पर? हाँ, जाति आधार पर दे देंगे। ये बाबू तो नहीं दे रहे? नहीं, हमेशा जाति आधार पर चला है, 2-4% करते हैं। चलिए आइए इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। अरे अरे, हमारी लंबाई के हैं, बहुत कम मिलते हैं हमारी लंबाई के लोग। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। करण अरुण जी क्या करते हैं? मैं तो बेरोजगार हूँ। अरे यार मौर्य बताओ ना। अरुण कुमार मौर्य जी हैं। चलिए, अरविंद कुमार मौर्य जी हैं। अरविंद साहब ये बताइए, आप वो जोर से बोले हैं मौर्य बोले अपना, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सपा से मौर्य कैंडिडेट है? हाँ, इसलिए बोले हैं? नहीं ऐसा बात कुछ ऐसा बात नहीं। अच्छा चलिए, ये बताइए आप बेरोजगार क्यों हैं? कितना पढ़ाई किए हैं? 12वीं तक। 12वीं तक तो कोई इस बार यहाँ प्राइवेट सरकारी कुछ खुल नहीं रहा है? देखें आखिर वो खुलेगा कैसे, जब सारी कंपनियां विदेश चली जा रही हैं, वहाँ की नीति इंडिया में लग नहीं रहा है, तो कहाँ से कंपनी आएगी? अभी रोजगार की दिक्कत है। इंडिया की जितनी भी कंपनी है सारी विदेश भागी जा रही हैं, किस लिए? नहीं, कंपनी भागे ना भागे, उनके मालिक तो बहुत सारे भाग गए हैं, बहुत सारा पैसा खा के भाग गए हैं। ये बताइए फिर आप रोजगार के सवाल, पिछली बार कहाँ वोट किए थे? समाजवादी। समाजवादी, और इस बार? इस बार समाजवादी। अच्छा, मौर्य समाज से इसलिए या वैसे भी? इसमें मौर्य समाज से क्या मतलब है? आप जाति नहीं देख रहे? ये बहुत अच्छी नहीं, हमको तो भाई विकास चाहिए। विकास चाहिए। तो इस सरकार में ज़्यादा विकास नहीं देखा आपको? इस सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर कर्ज है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। आज दिन में एक आदमी के ऊपर 1,60,000 कर्जा हो चुका है। हाँ नहीं, देश का कर्जा तो बहुत बड़ा है 5-10 साल में। और यही 10 साल पहले एक आदमी के ऊपर 40,000 कर्जा था। तो ये तो आप कह रहे हैं, तो इसका कर्जा कौन भरेगा? नहीं तो 25,000 रुपये हम लोग ले कहाँ गए पूछो ना। कौन सा 1,25,000? अरे 40,000 मनमोहन दे के गए थे कर्जा। हाँ। और 1,65,000 हो गया मेरे ऊपर कर्ज, 1,25,000 रुपये गए। आप बात तो सही कह रहे हैं, आप इस सरकार के पक्ष में एक सब शब्द नहीं कह रहे हैं। हाँ। वोट लेकिन आपका वहीं जा रहा है। नहीं नहीं, आप तो सरकार के पक्ष में तो गल्ला खा रहे हो, जो फिर एक गल्ला खा रहे हो, फिर एक रोड दौड़ रहे हो, कहाँ का देना है? मोदी जी विदेश जाते थे कंपनी बुलाने नहीं, कर्जा लेके आते थे। सही बात है। क्या नाम हुआ साहब जी? मेरा नाम मुनेश मौर्य है। मुनेश जी क्या करते हैं आप? जी मेरी एक छोटी शॉप है जहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ। धंधे के लिए कैसे रही है ये पिछले 10 साल आपकी शॉप है? ये सरकार हमें ये बताती है कि हम आपको जो है बैंक से आसान किस्तों में ऋण दे रहे हैं। मुद्रा योजना इन्होंने चलाई कि छोटे व्यापारियों के लिए कि आपको 50,000 से ले कर 10,00,000 रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलेगा। लेकिन इस मुद्रा योजना की हकीकत मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी नया व्यापारी जो स्टार्टअप का इन्होंने जो ढिंढोरा पीट रखा है, अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहे और वो छोटा काम धंधा स्टार्ट करने के लिए बैंक से कोई कर्ज चाहता है, तो सबसे पहली बात तो बैंक में जो बिचौलिया सक्रिय हैं वो कर्ज मिलने नहीं देते, और कर्ज मिलता भी है
तो कमीशन के रूप में उनसे इतनी धनराशि ले ली जाती है कि वो बेचारा कर्ज के बोझ में दब जाता है, व्यवसाय तो उसका प्रोग्रेस नहीं करता, उल्टा उसे अपनी जमीनें बेचकर उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। ये तो लीगल कर्ज कमीशन तो नहीं है, ये तो मतलब आपके लीगल नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे बैंक मैनेजर बैठे होते हैं अगर आप उनके चक्कर लगाते थक जाओगे, लेकिन बिना आपको एजेंट वो जो माध्यम आपको लेके जाना पड़ेगा तभी आपको कर्ज मिलेगा, अन्यथा आपको एक रुपये का कर्ज कोई भी बैंक देने को तैयार नहीं है, भले ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हों। तो ये बताइए, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, योगी जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चला दिए, आप कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात अगर भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं तो ये उनको पहले अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, क्योंकि देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे आकाश चौहान हो, अजीत पवार वगैरह, जितने भी जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाए, जितने भी भ्रष्टाचारी जिनको इन्होंने बताया कि इन्होंने 10,000 का करोड़ का घोटाला किया, इन्होंने सैनिकों के आवासों का घोटाला किया, देश में जितने भी भ्रष्टाचारी थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल कर उनको बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल कर दिया, और उनके खिलाफ जितने भी ईडी सीबीआई के केसेस थे उनको विड्रॉ कर लिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती कि भ्रष्टाचार पे उन्होंने कोई काम किया है, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश को उल्लू बनाया है। चलिए, इनका मानना है कि भ्रष्टाचार पर उल्लू बनाए, कहाँ वोट दे रहे हैं इस बार? देखिए, जनता बदलाव के मूड में है, जनता सिर्फ उसी पार्टी को वोट देना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। जनता ये देखेगी कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत है जो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे सकता है, क्योंकि वो अपने साथ हुए कुठाराघात का बदला लेना चाहती है। जो संविधान के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की, इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी के 19,000 पदों का घोटाला किया, इन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वीकार किया कि हमसे कुछ गड़बड़ियां हुई हैं आरक्षण में और हम उन सीटों को आपको लौटा रहे हैं, लेकिन पिछले 500 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इको गार्डन में डटे रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। पुलिस का भी पेपर जो है लीक हो गया। देखिए, ये सरकार वीक है, इसीलिए इसके पेपर जो हैं वो लीक हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में तो शायरी भी करते हैं, सरकार वीक है, पेपर लीक है। जी बिल्कुल, ये याद रखेंगे। ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से वीक है, इसीलिए इनके सारे पेपर लीक हैं। अब आप ये समझिए कि 75 साल में जो नहीं हुआ, नीट जैसी भर्ती परीक्षा जो बच्चे सपना देखते हैं कि वो बड़े होकर MBBS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, और गरीबी में जो लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, सुदूर क्षेत्रों में जाकर उनका इलाज करेंगे, वो बेचारे ऐसे बच्चे, मेहनती बच्चे जो अपना खेती क्यारी करके जो उनके माँ बाप पैसे भेजते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के MBBS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जब सारे भर्तियों की परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाएंगे और सरकार जो है उसके बाद मानती भी नहीं कि उसके पेपर लीक हुए हैं। नहीं, चलिए, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और मैं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का संयोजक हुआ करता था प्रयागराज जनपद का। तो आप ये बताइए, अंदर की बातें बताइए, क्योंकि आप तो छोड़ चुके हैं जी। भाजपा के IT सेल की निंदा बहुत होती है, अंदर ही अंदर बहुत खबरें आती है कि झूठी। भाजपा का IT सेल, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ये लोग कहते हैं जिहाद, तो जिहाद नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जो होती है वो लोगों का ब्रेन वॉश करती है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, इन्होंने मेरा ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि मैं भाजपा की कोई भी बुराई सुन ही नहीं सकता था। मैं भी हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मटन, मछली, इन्हीं सब चीजों में हमेशा मजे लेता रहता था। मंगलसूत्र की भी जी, मंगलसूत्र, मुगल, मुसलमान, इनके पास अन्य कोई मुद्दा नहीं, ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार, जो भी चीजें आप देख रहे, ना शिक्षा, रोजगार। ये संविधान बचाने का चुनाव है और जो पार्टी संविधान बचाने के लिए खड़ी होगी हम उसके समर्थन में रहेंगे। ठीक है साहब, आपका क्या नाम हुआ? कृष्ण बिहारी सिंह। क्या करते हैं कृष्ण बिहारी जी? अभी तो हम बेरोजगार टहल रहे हैं, 2018 में एमए किए थे अब 2018 में, तो 6 साल हो गए हैं। कोई सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कुछ नहीं लग रही? कहीं मिल ही नहीं रही है, पद भी नहीं आ रहा है, जो आता भी है वो कैंसिल हो जा रहा है, भर्ती कोई हो रहा नहीं। दिए थे अभी एग्जाम वो पुलिस का? हाँ दिए थे, दिए थे, पेपर लीक हो गया। हाँ, प्राइवेट में कुछ मिल रहा है आपके? तो यहाँ पर इलाहाबाद में एक समय पर तो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी होता था टेक्सटाइल का, तो बंद ही हो गया वो? अभी तो बंद हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा है। प्राइवेट में 5-6 हज़ार की नौकरी मिल रही है, 5-6 हज़ार में आदमी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तलो, आप नहीं तल रहे हैं? अरे पकौड़े तल रहे हैं 18 से, 19 में उनको वोट दे दी थी, तभी कहे पकौड़े तलो। आपकी बार बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव करेंगे तो कहाँ वोट करेंगे, बसपा करेंगे, सपा करेंगे? नहीं, अब की बार समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। आपका क्या नाम हुआ साहब? चाणक्य अनुज।
चाणक्य, अरे भाई साहब चाणक्य, और आपको पता है ना राजनीति में आजकल किसको चाणक्य बोला जाता है? आजकल राजनीति में चाणक्य लोग जो लोगों को गुमराह करते हैं माननीय अमित शाह जी को बोला जाता है, वो लोगों को गुमराह करके फंसाने का काम करते हैं बोल रहे हैं। हाँ, लोगों को गुमराह करके भटकाने का, मतलब शब्द को इस भाषा में कड़वे शब्द को परोसते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए जी। तो ये बताइए, आप अगर मैं पूछ सकता हूँ मौर्य समाज से हैं? नहीं, चाणक्य कनुज लिखता हूँ और मेरा कोई समाज नहीं, मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू हैं, ले तो ये तो कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के लिए हम सब किए हैं। ये हिंदुओं की भावनाओं से भेदभाव की थी, मीट बेचने वाली थी हिंदुओं में, हम गाय को अपनी माँ मानते हैं, ठीक, हम हिंदू। ये गाय की मांस बेचने वाली कंपनियों से मोदी जी इतना चंदा लिए हैं, अभी देखिए चंदे बहुत, चंदे धंधा ये आइडियो वीडियो वायरल हो रहा है। कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? समाजवादी पार्टी। नौकरी कर रहे हैं अभी? नहीं, नौकरी इसके पहले मेरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ऑफिस थी और मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, संघ का आदमी हूँ, लेकिन अभी मैं सब छोड़ छाड़ के, ठीक, अभी मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा धंधा बिजनेस इन्होंने बंद करा दिया। क्या हो रहा है? वो भी संघ परिवार छोड़ दिया, आप भी आरएसएस छोड़ दिए? नहीं, सारे लोग छोड़े हैं। अभी यहाँ पे पप्पू पासी जी हैं, वो अनुसूचित मोर्चा के वो भी हैं, ठीक, और वो भी भाजपा छोड़ दिए हैं। हम लोग सब भाजपा के पदाधिकारी हैं और भाजपा को पूरी तरह छोड़ कर। आपका क्या नाम है साहब? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी तो बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस है? मोबाइल की दुकान है। कैसे रहे हैं 10 साल आपके धंधे के लिए? 10 साल धंधे के लिए बहुत बुरे रहे, फिलहाल GST इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उस महंगाई तो दर दर बढ़ती जा रही है। इसमें देखिए, हमको अपना नहीं देखना है, हमको सबको देखना है कि अगर हमारा महंगा तो ये नहीं कि मेरा ही महंगा हो रहा है। जनता कितना आसानी से क्या अचीव कर पा रहे हैं उसको भी देखना है ना हमें। तो 10 साल में बहुत सारी महंगाई आई है। चलिए ये बताइए, चुनाव आने वाला है जी, पिछली बार कहाँ वोट किए थे? मैं पिछली बार सपा वोट किया था। तो आप सपा ही हैं इसलिए कह रहे हैं जी? हैं जी, वैसे अच्छी सरकार है, आप सपा ही हैं इसलिए कह रहे हैं खराब है? राष्ट्रवादी नहीं है आप? राष्ट्रवादी नहीं, देखिए हमको अपना देखना है, हमें किसी पार्टी को लेकर नहीं चलना है। नेता जो है वो अभी आप देखिए, अभी जो हमारे यहाँ विधायक हैं अभी BJP में, कल को उन्हें सपा पार्टी दे देंगे, सपा में चले जाएंगे। ऐसे होते, जब वो अपना दल बदल सकते हैं, हम क्यों नहीं बदल सकते? हम तो आप कहाँ वोट कर रहे हैं? हम इस बार तो इंडिया गठबंधन सपा को ही वोट कर रहे हैं, मतलब वोट बदला नहीं है आपका। आपका नाम क्या हुआ जी? मैं पप्पू पासे जी हूँ। आप ही की बात हो रही थी आपकी? जी जी जी। आप भी भाजपा छोड़ दिए? नहीं, भाजपा छोड़े नहीं, मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। हाँ। जहाँ हमारा जो ये हमारा राष्ट्रवाद रहेगा, जहाँ हमारे ये समाज रहेगा और समाज के साथ साथ जो ये संविधान बचाने का प्रयास करेगा, मैं उसके साथ हूँ। मोदी जी कहते हैं हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है नहीं। राष्ट्रवाद वो नहीं, अगर राष्ट्रवाद होते तो ये जो ये खंड खंड ये भारत जो खंड खंड कर रहे हैं, ये अलग अलग कर दे रहे हैं, ये अलग अलग न करते। ये भारतीय जनता पार्टी जो ये भारत जो बेचना चाहती है, तो जैसे कह रहे हिंदू एक हो जाओ, आप कह रहे हो खंड खंड। हिंदू एक महोदय जी कैसे होंगे बताइए आप? एक तो आप राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद मान के चले चले, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद नाम दे रही है, कहाँ राष्ट्रवाद ये पेश आ रही बताइए आप? राष्ट्रवाद तब कहा जाता जब पूरे हिंदुस्तान को एक करती, तब ये तो देश को बांटना चाहते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी देश को बांट रही है। तो कह रहे 370 हटा दिया हमने। 370 हटाने से कोई ये 370 हटाने से क्या हिंदुस्तान सुधर जाएगा बताइए? अभी तक बताइए कि आपको कोई फायदा नहीं नजर आया उसका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पहला नंबर तो सबसे पहले तो जो ये जो रूलिंग निकाले थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी, पहला नंबर जो रूलिंग निकाली गई थी कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करने के बजाय बेरोजगारी और बढ़ा दिए। और दूसरी बात, मैं मुद्दा ये रखना चाहता हूँ कि जो ये जो ये महिलाओं के प्रति जो ये गैस सुविधा निकाले, गैस गैस वाला सुविधा, गैस सुविधा मान के चलिए, गैस सुविधा जो निकाली है महिलाओं के प्रति में, सिलेंडर जो बांटे, हाँ सिलेंडर जो सिलेंडर के साथ साथ जो महंगाई सिलेंडर को जो दाम इस समय वर्तमान में चल रहा है बताइए, 1200 रुपये गरीब के पास नहीं रहेगा, सिलेंडर कहाँ भराएगा बताइए? आप 1200 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं तो महिलाओं के पास गरीबी बताइए, गरीबी हटा रहे हैं कि गरीबी आप बढ़ा रहे हैं बताइए आप? सिलेंडर ये बताइए, आपने शुरू में एक चीज़ और भी कही थी कि आप संविधान के साथ हैं। भाजपा के 4-4 उम्मीदवारों ने कहा कि इस बार अगर 400 पार हुआ तो संविधान बदल देंगे, इसो में भी मेरा सवाल है। लेकिन मोदी जी ने भी ये बाद में कहा है कि मोदी की गारंटी है कि कोई संविधान नहीं बदल सकता है, आपको क्या लग रहा है संविधान बदलने वाले हैं? देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि संविधान में न छेड़छाड़ कर रहे हैं, न संविधान चेंज कर रहे हैं, मगर ये हिंदुस्तान की मानसिकता है, हमारे प्रदेश की मानसिकता है, लोगों के दिमाग में बस गई है कि संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है, संविधान को परिवर्तन किया जा रहा है। अब परिवर्तन करने की बात चल रही भारतीय जनता पार्टी में, ये हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में पूरे जनता के बीच में ये मानसिकता में सब लोग बैठा लिए हैं
कि परिवर्तन करने के पूरे नियत से ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हूँ। अब ये बताइए फिर कहाँ वोट कर रहे हैं आप इस बार? देखिए 19 में कहाँ? सुनिए सुनिए, हम न किसी पार्टी, अभी मैं बता दे रहा हूँ पत्रकार महोदय, न किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात था न ताल्लुकात है। और जो रही बात राष्ट्रवाद को बचाने के लिए, जहाँ हमारा ये संविधान जो संविधान बचाने के लिए हमारा हिंदुस्तान जहाँ रहेगा मैं वहीं रहूँगा। वैसे क्या सोच रहे हैं अब आपके सामने? वैसे हमारे जो मानसिकता है, हमारे जहाँ तक हमारी सोच है और हमारे ये प्रदेश की सोच है और ये पूरे भारत की सोच है, ये हमारे जो ये समाजवादी पार्टी के जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, ये हमारे जो प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं कि जैसे कि ये संविधान की बात जहाँ तक छिड़ी है, हमारे अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि मैं संविधान को, पहले संविधान को बचाना है, ठीक, हम उनके समर्थन में बिल्कुल रहेंगे, उन्हीं को वोट देंगे हम लोग। आइए आइए साहब, नमस्कार जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मराज मौर्या है। हाँ जी, धर्मराज मौर्या। धर्मराज जी क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं, कैसे रहे हैं किसानों के लिए 10 साल? अरे किसानों तो बर्बाद कर दिए एकदम से। अच्छा, रात भर लीलगा गाय रखाता है, मर जाते हैं सब किसान बेचारे। तो ये बताइए फिर, ये तो बहुत परेशानी, किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, सम्मान मिल रही है। हाँ, उससे भरपाई हो पा रही है जितना? नहीं, उससे क्या भरपाई होगी, उससे कितना 2000 कितना कई दिन का होगा। 19 में कहाँ वोट किए थे? इसके पहले? हाँ जी, साइकिले पर थी। साइकिले पर थे? हाँ, हम साइकिले पर देते हैं। इस बार भी साइकिल? हाँ, हम साइकिले पर। आप साइकिल के? हाँ, साइकिल। मौर्य समाज का कैंडिडेट है इसलिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं है? नहीं, मौर्य समाज कैंडिडेट नहीं। अच्छा। हम साइकिल पे, आप साइकिल, हम देख रहे हैं ना इनको, इसलिए जो है हम साइकिले पे। PDA का नारा चलेगा इस बार? अब ये तो चलना चाहिए, बहुत जरूरी है, जनता चाह रही है कि आरक्षण खतरे में लग रहा है आपको? आरक्षण तो एकदम से खत्म कर दे रहे हैं, अपने मनमानी सब कर रहे हैं कि हाँ चाहे जो हो, हर एक चीज़ अब मनमानी। इस देश का संविधान इस देश की आत्मा है, और इस देश की आत्मा और इस देश का संविधान बड़े स्पष्ट रूप से ये कहता है कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी शहर गाँव कस्बे के हो, किसी भी धर्म के हो, आपको समानता, एकता और एक इज्जतदार ज़िंदगी जीने का अधिकार इस देश में है। उस मूल भावना के साथ कभी भी छेड़छाड़ करने की बात ना करें, नहीं तो एक गुस्सा लोगों में आता है। CCA के साथ जुड़े रहें। क्या ये चुनाव कहीं ना कहीं संविधान बचाने का चुनाव हो रहा है, देखना पड़ेगा। अभी तक जो हम पश्चिम UP से यहाँ तक आए हैं, हम नहीं कह सकते हैं कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन 2019 का जो हमारा चुनावी सफ़र है, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं उसमें काफ़ी बदलाव इस बार नज़र आ रहा है। जहाँ 19 में एक तरफा एक आंधी नज़र आ रही थी, इस बार मत लोगों का काफ़ी बटा हुआ है, एक तरफा आंधी बिल्कुल भी नहीं है। जुड़े रहें CCA के साथ।